यह खबर उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता को मरणोपरांत भी अकेला छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता और वे इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। परंतु अब ऐसे माता पिता की अस्थियों को विसर्जित कर उन्हें मोक्ष दिलाने का बीड़ा स्वर्गधाम सेवा समिति ने उठाया है। इस नेक कार्य की शुरुआत कब से और कैसे हुई, इसकी जानकारी हमें समिति के अध्यक्ष अशोक जी ने दी। आप भी देखिए यह खबर जो आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम खड़े हैं इस वक्त भिलाई शहर के रामनगर मुक्ति धाम में, और इस मुक्ति धाम में लोगों का अंतिम संस्कार होता है। परिवार आते हैं, अपने मृत परिवार को यहाँ अंत्येष्टि करके चले जाते हैं, और उसके बाद अंत्येष्टि की बात की जो रस्म होती है कि उनकी अस्थियाँ बिनना पड़ता है, वो राख रखनी पड़ती है, जो यहाँ पर 20 वर्षों से लगभग 40 परिवारों के अंत्येष्टि की राख और मटके पड़े हुए हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और कहते हैं कि मृत आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उनकी अस्थियां विसर्जित की जाए। स्वर्गधाम सेवा समिति के अशोक जी ने ये बीड़ा उठाया है कि वे लोग जो अपने उन परिवारों को भूल गए हैं, जो उनके बीच में नहीं है और छोड़ चुके हैं, वे उन सभी को, सभी की आत्मा को शांति देने के लिए आज मुक्तिधाम रामनगर पहुँचे हैं। आइए हम बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। अशोक जी, जानना चाहेंगे एक बहुत अच्छा काम मरने के बाद, उनकी अंत्येष्टि के बाद, उनके क्रियाकर्म के बाद परिवार ने उन्हें छोड़ दिया, और ऐसा कहा जाता है कि जब तक अंत्येष्टि के बाद विसर्जन का कार्यक्रम ना हो, पुण्य आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो कैसे ये संभव हो पा रहा है कि आज यहाँ 20 साल से जिनके परिवारों ने जिन्हें छोड़ दिया है, आप आज ये पुनित काम करने जा रहे हैं? जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दैनिक भास्कर पत्रिका, जिसका मैं रोज़ अध्ययन करता हूँ, उसी के माध्यम से ये मेरे को जानकारी मिली। तो फिर मेरे धमतरी के महापौर श्री विजय दामंगन से संपर्क साधा, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, पढ़ाया हूँ मैं, उन्हें तत्परता दिखाई और यहाँ के महापौर से तत्काल बात की। यहाँ के महापौर जी ने कहा कि तत्काल आवेदन एक व्हाट्सएप पे कर दीजिए। मैंने उनके माध्यम से व्हाट्सएप कराया और मुझे पता चला कि मैं इसी में पास हो गया है। और कल देशमुख सर जी का फ़ोन आया, उन्हें सूचना दी कि सर आप कभी भी आके अस्थियाँ ले जा सकते हैं, आपके नाम के आदेश हो गया है। कल ही मेरे इनसे चर्चा हुई, मैं आज पहुँची है। जी, ये तो आपने शासन प्रशासन से इजाज़त की बात की जो आपको मिल गई है। क्या ऐसे परिवार जिनकी अस्थियाँ अभी आप विसर्जित करने जा रहे हैं, क्या उन परिवारों से आपने संपर्क साधने का प्रयास किया कि वो अस्थियाँ क्यों छोड़ के गए हैं? और मुझे समाचार पत्र से ही पता चला, जिन्होंने अस्थियाँ छोड़ी है अपना पता ही गलत बताया है, या अपना फ़ोन नंबर गलत बताया है, या किसी नौकर का फ़ोन नंबर दे दिए हैं, या फ़ोन नंबर बदल दिए हैं, या मकान का पता भी कुछ गलत बताया है। पता चला कि नगर निगम बहुत प्रयास करी, उसके बाद भी संपर्क साधना मुश्किल है। 20 साल से पड़ी अस्थियाँ, अब कौन आएगा? तो कोई भी भगवान ने कोई मसीहा बनाया होगा जो इस काम करने के लिए, तो अपने स्वरूप में हमारे को भेज दिया काम करने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। भविष्य में अशोक साहब, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई परिवार, चाहे उनका नाती पोता जिन्हें पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ हो, वो जागृत हो जाए और अचानक से वो सवाल कर बैठे कि आप होते कौन है मेरे दादा की अस्थियां विसर्जित करने वाले, उस कंडीशन में क्या? सर, एक बात बताएं आपको, 20 साल में हमने बहुत परिस्थितियां झेली हैं। हम तो रक्तदान करने जब जाते हैं ना, तो बेटियां रक्तदान के लिए ललायत रहती है और बेटे रोकने के लिए, हमने ये भी चीज़ देखा है। रक्तदान करने के बाद भी लोग हमारा कालर पकड़े हैं, तो ये पारंगत हो गए हैं, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि कोई आए और मुझे गाली दे। मैं चाहता हूँ कि ये परिजन आए जिनका मैं कल अस्थि विसर्जन, परसों अस्थि विसर्जन का, आए और मुझे गाली दें। मुझे गाली का फ़र्क नहीं, उनमें चेतना आएगी, उस चेतना का स्वागत करने मैं तत्पर रहूँगा, उनका हर कड़वी जुबान को झेलने के लिए मैं तैयार। ये जो पुनित कार्य की आपने जो जो कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे प्रारंभ हुए? मेरे जीवन का हर काम का श्रेय
सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को देता हूँ। मैंने लावारिस महिला की लाश देखी, मेरे अंदर मन में कोई भावना जागी कि मुझे संस्था खोलनी चाहिए, ये भी मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। और मैंने संस्था 2004 में स्थापित की। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ, सिर्फ माता पिता की सेवा कर लो, सिरमौर रहोगे इस दुनिया में, भगवान भी आपके सिर को झुकने नहीं देंगे। ये मेरा थीम है जीने का। और उस महिला को पता चला लावारिस है, 2004 में स्थापना की, मानेंगे नहीं। हर मीडिया वाले, मेरे धमतरी साहब सब, आपको संपर्क होगा, फोटो जो हैं, ग्राफ्स, एक शरीर में करोड़ों कीड़े होते हैं, ये मैंने देखा है, उनका अंतिम संस्कार किया है। एक शरीर के 5 टुकड़े होते हैं, मैंने अंतिम फोटो, ऑडियो, वीडियो सारा कुछ है मेरे पास, चाहे इनको प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं दर्शन करा सकता। और सर पितरी मोक्ष अमावस्या पर इनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उसका सारा वीडियो है, पूरा विधि विधान से, आप मानेंगे नहीं। 150, मतलब शुरू में 2005 में जब शुरू किया तर्पण, तो लोग नहीं आते थे, अब तो 1 बजे लंगर खुलता है, तो 8 बजे रात तक लंगर चलते रहते। स्वरधाम समिति के उस मिनत आत्माओं के लिए जो खाना बनाया रहता है, लोग उसकी संतुष्टि के आके खाते हैं। ऐसा कहते हैं कि शांति भोज कराने से आत्माओं की तृप्ति मिलती है, तो वो मैं जो धर्म, जो सनातन धर्म बोलते हैं, उसी को पकड़ के काम कर रहा हूँ, कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं धर्म से हट के कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सबको अच्छा लगता है ऐसा। आप कह रहे हैं कि हजारों कीड़े, लाखों कीड़े लगे हुए शरीर, छत विक्षिप्त शरीर, 5 टुकड़े 6 टुकड़े, कभी मन में कोई घबराहट किसी प्रकार का वो नहीं आया देखने? जब शुरू में जब खोले थे, तो लगता था यार कुछ हो गया तो कैसे होगा, कुछ हो गया तो कैसे होगा लगता था, लेकिन अब उन आत्माओं की ताकत हमारे अंदर आ गई ऐसा मेरे को लगता है, तड़फड़ कर लेते हैं। और हमारी टीम है सब खड़े हैं, इन लोग मेरे बाहुबली हैं, मतलब आप पुलिस है, अस्पताल प्रशासन, आप पूछ लीजिए, हमको डेड बॉडी पीएम होके मिलती है, 1.5 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाता है। अच्छा, अब तक लगातार ये काम चलता आ रहा है, अब तक कितने शरीरों का, शरीरों को आपने मतलब मोक्ष प्राप्त करवाया? 589 मृतकों का अभी तक के कर चुके हैं, अब 600 के करीब आने वाले हैं, इस सेशन में 600 हो जाएगा। एवरेज अभी शुरू में तो 1-2 मिलते थे, अब जनसंख्या घनत्व तो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ से जो अस्थि कलश जाएंगी, जो आप लेके जाएंगे, किस तरह से उनका, ये अंतिम सवाल है, किस तरह से आप कहाँ पर करेंगे उनका संस्कार? मैं तो इनका तर्पण अपने परिजन मान के करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि 20 साल से काम कर करके मुझे पता चल गया है कि अगर भगवान ने मेरे इनके लिए भेजा है, मैं इनका कोई ना कोई रिश्तेदार हूँ, इसलिए मेरे को करना है। और चित्रतला गंगा नदी है, रुद्री रुद्रेश्वर मंदिर रुद्री, सामने बहुत बड़ा नदी है, महानदी, वहाँ पे मैं इनका तर्पण करूँगा, अस्थि विसर्जन करूँगा, और प्रतिवर्ष इनका तर्पण भी करूँगा, इनका पिंडदान भी करूँगा। और ऐसा हो, इन आत्माओं की अगर दुआ हो, तो अगले वर्ष ब्रह्म कपाली में भी इनका तर्पण पिंडदान कर दूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जो इस तरह का कृत्य करते हैं, भूल जाते हैं, हमारे चैनलों के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को कुछ नहीं बोल सकता, जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, भगवान जी करेंगे। लेकिन जो अभी हैं, जिनके पास माता पिता हैं, जिनके पास माँ बाप धरोहर है जिनकी, उनसे मैं हाथ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जी तोड़ उनकी सेवा कीजिए, मीठे मीठी बात करिए, रोज़ पैर दबाइए, रोज़ उनकी सेवा करिए। मैं झूठ नहीं बोलता, भगवान जी उन्हीं के घर में रहते हैं, जहाँ माता पिता की सेवा होती है, उससे बढ़ के कोई बात नहीं। दोस्तों, ये थे स्वर्गधाम सेवा समिति के अशोक जी। ऐसे भी हम सुनते हैं और कहते भी हैं, बहुत लोगों के मुँह से सुनते हैं कि माँ बाप की सेवा में ही स्वर्ग है। इन्होंने भी आज साफ कर दिया हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों को इन्होंने बताया है कि आपके पास जीवित माँ बाप हैं, उनके रहते उनकी सेवा कर लीजिए। और इस तरह का कृत्य करने वालों को तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग सामने आए, ताकि ये उन्हें ये बता सके कि ये करना गलत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ रामनगर मुक्तिधाम से मैं हूँ संतोष शर्मा।